राष्ट्रीय लोक अदालत जिला विधिक प्राधिकरण दीवानी न्यायालय गोरखपुर में जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का उद्घाटन किया। इस बार पारिवारिक मामलों में कुल 71 मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करते हुए कुल 22 जोड़ों को एक साथ राजी खुशी एक साथ घर भेजा गया। वहीं 1000 से अधिक ज्यादा मामलों को निस्तारित किया गया, जिसमें पारिवारिक, जमीनी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना क्लेम, नगर ट्रैफिक कर्ज से जुड़े अलग अलग मामले शामिल थे। इस मौके पर सचिव राहुल कुमार सिंह, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाही, मंत्री अजय शुक्ला, प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश देवेंद्र सिंह, सुशील कुमार शशि, एडीजे तृतीय नोडल अधिकारी मनोज कुमार राय आदि मौजूद रहे। इसलिए हो गई बैंक मैं जमा करवा रहा हूँ। मैं जो हमने बताया 3000 4 3000 4 बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, साथ साथ रहो, अरे नजदीक आओ भाई, बहुत बढ़िया। इधर इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा ने बताया, सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के मुकदमे जैसे परिवहन न्यायालय, मोटर वाहन अधिनियम तथा और छोटे छोटे जितने भी मुकदमे हैं उनका निस्तारण करेंगे और बढ़ते मुकदमों की संख्या को घटाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है। समझौते के आधार पर होते हैं, इसमें कोई पक्ष न जीतता न हारता है, उनकी सहूलियत के अनुसार दोनों पक्ष प्रसन्न चित्त रहते हैं। जब मुकदमा तय हो जाता है तो अपने घर जा करके उनकी ईगो भी शांत हो जाती है और सब मुकदमे परिवहन न्यायालय के, जैसे कि परिवहन न्यायालय से संबंध मुकदमे और नहीं सिविल प्रकृति के मुकदमे तो बहुत कम मात्रा में हो पाते हैं, केवल वही मुकदमे तय हो पाते हैं जो छोटी प्रकृति के होते हैं। ज़्यादातर मुकदमों का निस्तारण जो हो रहा है वो हमारे यहाँ मोटर यान अधिनियम तथा परिवहन न्यायालय से संबंधित तथा बैंक के जो प्री लिटिगेशन स्तर के मुकदमे वो भी तय होंगे।